कि टीवी मिलना चाहिए, अभी तक नहीं दिया गया, सिर्फ एक अखबार मिलता है, वही सारा दिन बार बार पढ़ता रहता हूं। नवाज शरीफ ने हाले दिल सुना दिया, एनआरओ की बातें करने वाले बताएं मैंने कोई एनआरओ नहीं मांगा। नवाज शरीफ से लीगी रहनुमाओं की मुलाकात, अंदरूनी कहानी लाहौर न्यूज़ पर। मजीद अपडेट्स लेंगे दानियाल राठौर से। दानियाल बताइएगा, सहूलियात न मिलने का शिकवा किया है साबिक वजीर आजम ने। आज बिल्कुल, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से लीगी रहनुमाओं की मुलाकात है, उसकी अंदरूनी कहानी लाहौर न्यूज ने पता लगा ली है। और नवाज शरीफ ने इस बात का गिला शिकवा किया, जो तीन बार वजीर आजम रहे, उन्होंने कहा कि मुझे टीवी मिलना चाहिए लेकिन अभी तक टीवी नहीं दिया गया, रोजाना सिर्फ एक अखबार दिया जाता है, वही पढ़ता रहता हूँ और वही अखबार दिन में बार बार पढ़ने का भी इत्तेफाक रहता है, मगर मुझे चाहिए कि एक टीवी कम अज कम दिया जाए। ये नवाज शरीफ ने इजहार किया इस बात का, जबकि उन्होंने एनआरओ के हवाले से कहा कि एनआरओ की बातें करने वाले बताएं कि मैंने किससे एनआरओ मांगे हैं, मैंने किसी से ना एनआरओ मांगा है ना मुझे एनआरओ चाहिए, ये नवाज शरीफ ने वाजे कर दिया है। और साथ साथ कुलसूम नवाज का भी जिक्र होता रहा है कि जब मैं जेल में था तो बेगम कुलसूम नवाज की तबीयत खराब हुई और उस पर जेल में कहा था कि टेलीफोन करवा दें, लेकिन टेलीफोन तक नहीं करवाया गया। सदमा है कि आज भी नवाज शरीफ का कहना है कि मेरी सेहत आज भी इसीलिए भी खराब रहती है कि मेरी आखिरी वक्त में मैं कुलसूम नवाज के करीब क्यों ना था। जी ठीक है, साबिक वज़ीर आज़म ने सहूलियात ना मिलने का शिकवा किया है। दानियाल राठौर, शुक्रिया आपका।